तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से आया हूँ एक नई लोकेशन पर, जो कि है चंडीगढ़ बद्दी रेलवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। और जो ये आप सामने रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ कालका को आपस में जोड़ती है। और जहाँ से अभी एक के बाद एक चार ट्रेनें निकलेंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। और फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं वो बद्दी रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, बद्दी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और बहुत ही सुंदर हिस्सा है ये। और कहा जाता है कि 40% कार्य यहाँ का पूरा हो चुका है। और मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ से लाइन निकलेगी। ये आप बिल्कुल जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से रेलवे लाइन निकलेगी। बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। और फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट एक स्पेशल प्रोजेक्ट के अंडर आता है, क्योंकि बद्दी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बद्दी से जो सामान जाता है वो इंडिया में दूर दूर तक जाता है। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है। और यहाँ से बद्दी की रेलवे लाइन निकलेगी। 40% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का कार्य भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और ठीक पहाड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर, वहाँ से रेलवे लाइन निकलनी है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रैक्टर्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, और ऊपर भी काम चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये रास्ता बहुत ही रिस्की है और आगे कहीं जाता है, और यहाँ से ट्रकों की आवाजाही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थी एकता एक्सप्रेस, और अब आएगी शताब्दी एक्सप्रेस। और इसमें एक सरप्राइज़ है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको शायद पता होगा कि क्या सरप्राइज़ है, लेकिन बाकी लोगों को मैं शताब्दी एक्सप्रेस की वीडियो दिखाने के बाद ही बताऊंगा कि क्या सरप्राइज़ है। और फिलहाल ये बद्दी रेलवे प्रोजेक्ट, और कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ग्रेडियंट्स थे जिनको हटाने के लिए इन्होंने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने का प्लान बनाया है। तो काफ़ी जगहों पे हमें एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ ट्रकों के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। कितना मज़ा आएगा जब ये रेलवे लाइन तैयार होगी पहाड़ों के बीच में। फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, कई बार तो ना इन ट्रकों को देख के बहुत डर लगता है कि ये कहीं गिर ना जाएं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की जगह है। तो फ्रेंड्स, अब आने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस, और शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर एक सरप्राइज़ है जो कि आपको ट्रेन को देखने के बाद ही पता लगेगा। तो वेट करते हैं, उस ट्रेन की बस आने वाली है।
फ्रेंड्स, ये सरप्राइज था शताब्दी एक्सप्रेस में। आगे से भी लोकोमोटिव था और पीछे से भी लोकोमोटिव था, मतलब पुश पुल ट्रेन थी ये। और फ्रेंड्स, जो ये लोकेशन है ये कालका से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है, तो बहुत ही प्यारी लोकेशन। बहुत ही रिस्की जगह ट्रकों के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आएगी यहाँ से साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस, तो देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, 2 ट्रेन्स का वीडियो मैंने यहाँ से बना लिया और अब एक ट्रेन का वीडियो मैं दूसरे एंगल से बनाऊंगा, जो कि पुल के उस साइड है। तो फ्रेंड्स, आपने बैक टू बैक 3 ट्रेन्स इस व्लॉग में देखी, और पहली थी एकता एक्सप्रेस जो कि भिवानी को कालका से जोड़ती है, दूसरी थी कालका शताब्दी एक्सप्रेस और जो एक पुश पुल ट्रेन थी, और तीसरी ट्रेन आपने देखी साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बद्दी रेलवे प्रोजेक्ट का अपडेट भी दिखाया है और चंडीगढ़ कालका की ट्रेन्स भी दिखाई हैं, और अभी एक ट्रेन और भी आएगी जो कि मैं कोई और लोकेशन से इसको कवर करूँगा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स, आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक वीडियो और है जो कि ये है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, बद्दी रेलवे प्रोजेक्ट की अपडेट पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।